मोमिनीन, चूँकि हमारे मेहमान खसूसी और मेहमान ज़ीबेकार दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे मेहमान खसूसी जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब मिनिस्टर साहब को अभी निकलना है और बलिया के लिए वो भी निकलना है, इसलिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और जाहिर सी बात है मुझे उनका वो जुमला पहले दिन बहुत अच्छा लगा था कि मुझे गवर्नमेंट ने कोई ओहदा और कोई मनसब और कोई एजाज़ नहीं दिया है बल्कि ज़िम्मेदारी दी है, और जब इंसान अपने ओहदे को ज़िम्मेदारी समझ लेगा तो रसूल अल्लाह की हदीस भी है कि कौम का रईस उसी को कहा जाना चाहिए जो कौम की खिदमत करे। तो हमें बड़े खुशी की बात यह है कि कौम से हुकूमत के बीच में एक ब्रिज के लिए हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए और हुकूमत के वसाइल को हम तक पहुँचाने के लिए एक ऐसा शख्स, एक ऐसा चेहरा जो बड़ा हंसमुख, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है, एक माना खेज तबस्सुम, एक खूबसूरत ऐनक के पीछे से कौम के मुस्तकबिल को झांकने वाली आंखें और वो रोशन चेहरा, वो हमारे दरमियान मौजूद है दानिश आज़ाद अंसारी साहब की शक्ल में। मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ ज़हमत फरमाएं ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये बैज हो जाए, यहीं आ जाएँ, हालाँकि यही जीत है कि उनको जीतने की भी ज़हमत नहीं हो यानी इलेक्शन के साथ सिलेक्शन वाला भी मामला। तो हमारे इमरान नवाब साहब से गुजारिश है कि एक इमरान नवाब साहब, या मैं नाम पुकार दूं मोहम्मद अली साहब और सामिन रजा साहब और समर रिजवी साहब, अथर हुसैन साहब, कुमैल साहब और ख़ुद हमारे बाद में खुद परवेज़ भाई, ये एक एक हार से इस्तकबाल करें। हाँ, तशरीफ लें। इमरान नवाब साहब, सलवात भेजें आप हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद अली साहब, सामिन रजा साहब, समर रिजवी साहब, अथर हुसैन साहब, कुमैल साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद परवेज साहब, परवेज़ भाई, परवेज़ एडवोकेट साहब, 23 साल से साहब कंटिन्यू ये जश्न कर रहे हैं और बच्चों की एजुकेशन और चैरिटी पे बड़ा काम कर रहे हैं। परवेज़ भाई, परवेज़ भाई आ रहे हैं, परवेज़ भाई आ रहे हैं, वो बिल्कुल ज़मीनी आदमी हैं। हाँ, आप उनको देखेंगे लगेगा कि हमारा चीफ होस्ट कैसा होना चाहिए, चीफ गेस्ट को चीफ होस्ट को भी पहचानने के लिए कि कैसा जन, ये है हमारे परवेज़ भाई, बावाज़ बुलंद नारे सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने यह सिलसिला पेंडेमिक में भी जो है, हाँ हाँ ठीक है ना, तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़े से अपने दो जुमले कह लें, फिर आपको एक हम यानी मेमेंटो, ताकि आप जब उसको देखें तो याद रहे, तो ज़रा सा हम आपके चंद अल्फाज जो हैं वो सुनना चाहेंगे जो हमारे लिए तबर्रुक होंगे। नारे हैदरी जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज अबू तालिब हेल्थ एंड एजुकेशन एकेडमी और बड़े भाई परवेज़ एडवोकेट साहब के तरफ से मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब सामने बैठे हमारे बड़े भाई, साथी, बुज़ुर्ग और मंच पे तमाम हमारी जितनी शख्सियत बैठी है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप सब ने मुझे बुलाया और आप सब के बीच में आके आप सब जो मुझे प्यार देते हैं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब जब आप मुझे बुलाते हैं, लगातार आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं और आपके दुआओं से आपके बीच के इस बेटे को, आपके बीच के साथी को उत्तर प्रदेश सरकार में एक जिम्मेदारी मिली है, जैसा मैंने बताया था, भाईजान भी बता रहे थे कि इसको मैं एक जिम्मेदारी मान के चल रहा हूँ कि एक कौम के तरक्की के लिए आपके बीच के एक भाई को एक जिम्मेदारी मिली है। और जब तक आप सब एक साथ खड़े नहीं होंगे, एक साथ हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज हमारा कौम तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और इन सब में आप सब की भागीदारी है। ये आप सब हैं जिसकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से, जो आप जो पॉजिटिव मन, सकारात्मक मन जिसे कहते हैं, उस मन के साथ हम सब
जो भाईचारे की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। यकीन मानिए आज उत्तर प्रदेश के हम तमाम मुस्लिम भाई पूरी देश नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के उभर रहे हैं कि ये वो मुसलमान समाज है जो एक मिसाल बन के पूरे देश और दुनिया में उभरा है। और इंशाअल्लाह जो भाईचारा जो अमन जो प्यार जो सुकून आज हम सब के बीच में है, हम सब आगे भी इसी भाईचारे के साथ बढ़ते रहेंगे और अपने कौम को अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले चलेंगे। जिस तरीके से जो ये हमारी सोसाइटी है लगातार पेंडेमिक में भी और लगातार हमें जानकारी मिली है, मैं सुनता रहता हूँ कि जी 23 साल एक ऐसा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि जो हौसला है ये हौसला आपके तालियों से आपके प्यार से आपके मोहब्बत से ये जज्बा ये आपके मोहब्बत से जज्बा है, ये हौसला ये आपके वजह से ये हौसला है। और आप सब दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ इस हौसले को प्यार दीजिए, दुआएं दीजिए और हम सब मिलके इसी तरीके से मिलजुल के अपने कौम को अपने मुल्क को और अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। मैं आपके बीच हमेशा ऐसे ही बना रहूंगा, कोई भी बात आपको लगे कि आपके छोटे भाई के लायक कोई भी बात हो, आपको कोई भी बात लगे कि बात आपको अपने छोटे भाई से करनी चाहिए, आप बेहिचक आ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे आपके बीच में आपसे मिलने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। खास तौर पे मैं आप सबको बता दूं कि सोमवार और मंगलवार के दिन अगर किसी अन्य दिन मेरा कार्यक्रम कहीं बाहर नहीं लगता है तो मैं लखनऊ अगर रहता हूं तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार को सुबह आप बेहिचक अपने छोटे भाई के यहाँ कोई भी अपनी बात कहनी हो, चाय पीना हो, साथ बैठ के नाश्ता करना हो, आप कभी भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से आप सब अपनी मोहब्बत अपने छोटे भाई पे बनाए रखिए। आज हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं और इस यहाँ से जब हम बाहर जाएं तो एक प्यार अमन और सुकून का एक संदेश यहाँ से बाहर जाए ताकि हम अपने समाज को वो समाज बनाएं जिसके लिए आज पूरे मुल्क में ही नहीं पूरे दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल के ऐसे ही प्यार से रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। माननीय मंत्री जी, जैसा आपने कहा हमारे परवेज भाई ने इस संस्था ने आज दिन भर और शाम तक के लिए यहाँ पे बेहतरीन लंगर का भी इंतज़ाम किया है और मैं अब चाहूँगा कि हमारे दो इस वक्त जो हैं वो बड़े यानी उलमा अमामे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना रज़ा अब्बास साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तथीर साहब, ये तशरीफ़ ले आएँ और एक आलिम दीन जो है वो एक शाल पेश कर दें। तथीर भाई को आ रहे हैं, तस्वीर लीजिए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ रहे हैं इधर भाई, सभी यहां मैं करूंगा कि थोड़ा सा आप दानिश भाई थोड़ा आप बीच में, हम इधर आ जाएं, बीच में आ जाएं, बीच में आ जाएं, आइए माइक हटा दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे ही पूरा भाई का माला हो जाए उसकी उसका दिन के बाद।